कोई बात नहीं, आज का हाईलाइट कोई और है। इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ता। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड हाँ, जो लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली कल से ही तिथि स्टार्ट हो चुका है। कल आई थिंक सो फ्रॉम 7:30 लाइक पूर्णिमा होता है ना, तो कल जैसे मून बहुत बड़ा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, तो मैं आज करूँगी। आज आई थिंक सो इट्स स्टिल 7:30 तक है। तो सुबह उठ के ऑलरेडी मैंने नहा लिया है एंड थोड़ा बहुत काम है, मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी वो सब करना। ठंडी है अभी हम लोग के यहाँ पे। एंड यू नो, जैसे कि जब भी कोई पूजा होता है ना, गणपति पूजा या लक्ष्मी पूजा, हर वक्त मैं यहाँ पे ही करती हूँ। नहीं तो ऊपर यू नो जाना आना जाना ना, दिस इज़ वेरी लाइक मेरे लिए बहुत ही इजी होता है ना। तो जो जो मुझे चाहिए था ना, शौमिक ने भी मुझे हेल्प करके दे दिया, मैं सब लेके आ गई। मेरा ना पूजा है ना, स्पेशली वीकेंड हो ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वो वीकडेज में मैं अकेले अकेले करती हूँ ना, तो शौमिक जो जो चाहिए था छोटा करके हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे यू नो भगवान के जितने सारे बर्तन एंड ऑल है, मुझे थोड़ा अनेजी लग रहा है, ये लाइक सामने वाला लेंस है एंड हम लोगों के रेक्सू बाबा सो रहे हैं। बट हाँ, देयर इज वन प्रॉब्लम। हाँ, लक्ष्मी पूजा में ना हम लोग आल्पना ड्रॉ करते हैं। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, हर साल मैं भी करती हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट देन ऑल्सो यू नो आई ट्राई, मैं वही बोलूँगी, मैं भी करती हूँ, पर इस साल आई कॉन्ट डू इट क्योंकि फ्लोर पे करेंगे तो रैक्स सब चाट चाट के खा लेगा, तो नाउ द टाइम इज सी। मैं बहुत जल्दी मैं उठ गई, मैं मम्मी से बात कर रही थी, फिर मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी। तो सुबह से मैं उपवास हूँ, लाइक जब पूजा होगा उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो पूजा हम लोग शाम को देंगे, राय आएगी, देन मे बी 5:30 को हम लोग पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो जो जो बर्तन चाहिए था ना भोग बनाने के लिए, सब कुछ मैंने निकाल लिया है। एंड हाँ, तो मैं कैसा करके आल्पना करूँ, तो मेनी ऑफ यू नो राइट, क्योंकि लाइक मेरे घर में तो इतने सारे कारपेट है ना, उसमें आप कैसा करके ड्रॉ करेंगे? तो मैं जैसे करती हूँ ना, प्लास्टिक के प्लेट में मैं ड्रॉ कर लेती हूँ लक्ष्मी माता का पैर, तो मैं वैसा ही करूँगी। ऐसा करके ही मैं घर घर में दे लाइक सभी जगह पर दे दूँगी। अभी ये बात अलग है, वो प्लेट कहाँ पर जाएगा पता नहीं। देन ऑल्सो तो अभी मेरा पैटियो भी कोई भूत बंगला से लग रहा है नहीं, एक्चुअली अभी फॉल सीजन है ना, तो मुझे लगा चलो मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। एंड ये मेरे पेपर्स थोड़े लास्ट के थोड़े पेपर्स है, तो मुझे लगा कि चलो मैं भोग में दूंगी लाइक व्हेन आई विल मेक फ्राई। एंड यहाँ पे ना मैं थोड़ा चावल का आटा थोड़ा भिगो के रख रही हूँ क्योंकि मुझे वो आल्पना देना है। एंड आज मैं बहुत ही एक ट्रेडिशनल बंगाली भोग बनाने वाली हूँ, जो लक्ष्मी पूजा में मेरी मम्मी लोग बनाती थी, दैट इज खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए ना मैंने मूंग की दाल से मैं बनाऊंगी। तो दाल को ना फर्स्ट मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो जब भी लक्ष्मी पूजा होता था ना, लाइक होता था, हाँ होता था ही होगा, तब ना हर वक्त खिचड़ी वॉज ए मस्ट। एंड इसको ना भोगेर खिचड़ी बोलते हैं। एंड इस ये भोगेर खिचड़ी ना, सच्ची बात बताओ, टेस्ट तभी होता है जब वो राइस जो है ना छोटा छोटा, जिसको गोविंद भोग चाल बोलते हैं या काली जीरा राइस भी बोल सकते हैं, लाइक काली जीरा राइस इज ए अदर वर्शन ऑफ गोविंद भोग चाल। तो मेरे पास जो है दैट इज गोविंद भोग राइस, वो छोटा छोटा होता है एंड उस राइस का ना एक एरोमा रहता है, तो उससे ये खिचड़ी ना टेस्टी बनता है। लाइक अभी यहाँ पे हर वक्त तो नहीं मिलता है ना, तो मैंने बासमती राइस के साथ भी ट्राई किया है पर वो टेस्ट नहीं आता है। तो पहले ना मूंग की दाल को ना आपको थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है, लाइक दोज ऑफ यू हु आर नॉन बंगाली, ऐसे ही आप घर में भी बना सकते हैं मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दिया है एंड यहाँ पे राइस है एंड इट इज द इक्वल अमाउंट। तो खिचड़ी के साथ ना हम लोग हर वक्त लाबड़ा बनाते हैं। बोले लाबड़ा क्या है? लाबड़ा इज ए मिक्स वेजी होता है, तो वो देके हम बनाते हैं। पर लाबड़ा में ना लाइक मिक्स वेज में ना अगर पम्पकिन रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर मेरे घर में पम्पकिन है नहीं। एंड कल जब मैं लिख रही थी ना, लाइक बटरनट स्क्वाश इज सिमिलर टू पम्पकिन, तब मैं वो लिखना ही भूल गया। अभी एक चीज़ के लिए कौन मुझे ला के देगा? एंड मुझे अभी वो निकलने का मन नहीं कर रहा है। चलो होगा, तो पहले ना मैं सब चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है।
तो यू नो अच्छा हुआ मेरे पास मीठा आलू रहता है राइट, क्योंकि मैं रैक्स को देती हूँ. तो जैसे पम्पकिन मीठा आलू का ना, ये लोग का टेक्सचर थोड़ा अलग है ना, यू नो थोड़ा फाइबर है ना, तो वो कॉम्बो बहुत ज़रूरी होता है. तो मीठा आलू है तो मैं मीठा आलू दे रही हूँ. तो मुझे अचानक याद आया अरे मीठा आलू है, मैं मीठा आलू दे देती हूँ. इट्स बिकॉज ऑफ दिस टेक्सचर, यू नो थोड़ा फाइबर ऐसा अलग टेक्सचर होता है ना इसके लिए. एंड हाँ, ये जो कॉलीफ्लावर का स्टैम्प है ना, वो भी दीजिएगा, काफी अच्छा लगता है. तो सारे सब्जी मैंने कट कर लिया है यहाँ पे, तो मैं जो वो वेज बनाऊंगी उसके लिए, फिर टमाटर भी चाहिए, तो ये खिचड़ी में भी चाहिए, वेज में भी चाहिए, फिर मैं चटनी भी बनाऊंगी उस सब के लिए, फिर भाजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये आलू आप देख सकते हैं मैंने पतला पतला करके कट कर लिया है, एंड ये गोभी एंड बैंगन मैं बाद में कट करूँगी. तो पहला मैं कुछ मीठा से शुरू करूंगी. उससे पहले यू नो मैं इसको थोड़ा बाहर लेके चली जाती हूँ, ताकि एक ड्यूटी मेरा ख़त्म हो जाए. अभी पूजा है जो भी है, यू नो ये इज़ ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली. छोटा बच्चा भी होता है तो सब कुछ तो कराना ही पड़ता है, एंड मुझे लगता है भगवान जी तो सभी के भगवान जी है ना. तो चलो रैक्स. मैं जैसे बोल रही थी कि आज का भोग ना मैं बहुत ही एक बंगाली ट्रेडिशनल वे से बना रही हूँ. लक्ष्मी पूजा पे ना हम लोग हर वक्त ना लड्डू बनाते हैं, एंड नारियल का लड्डू मुझे लगता है सभी घर में बनता है. अभी बनता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरी मम्मी हर वक्त नारियल का लड्डू बनाती थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा नारियल का लड्डू बनाया. तो लाबड़ा बनाने के लिए जब ऑयल गरम हो जाए ना, फर्स्ट मैं इसमें 3 तेजपत्ता एंड 2 सूखी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया है. उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून ऑफ 5 फोरन, थोड़ा ग्रीन चिली एंड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर. उसके बाद ना हम लोग वेजीज ऐड कर देंगे. सिर्फ मैंने कॉलीफ्लावर को अभी ऐड नहीं किया है, कॉलीफ्लावर को मैं बाद में ऐड करूंगी. तो जैसे फूल गोभी तो बहुत जल्दी गल जाता है राइट, इसलिए हम लोग लास्ट में देंगे स्वीट पटेटो आलू, फिर ये सब को थोड़ा टाइम लगता है ना यार. ये ना एक्चुअली बहुत अच्छा है, ओनली द प्रॉब्लम इज इसका जो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि अब इसका हैंडल ना गर्म हो जाता है, लाइक वो लोग ने उठ का कुछ भी नहीं दिया. तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर ना मैं फूल गोभी एंड बीन्स दूंगी, एंड यहाँ पे मैं चटनी बनाऊंगी. चटनी मैं रेसिपी और शेयर नहीं करूँगी, मैंने बहुत बार शेयर किया है. तो बाकी सब्जी जब मैं बोलूँगी अराउंड 50% कुक हो जाए ना, देन ऐड कॉलीफ्लावर एंड बीन्स, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी गल जाता है. एंड उसके बाद ना ऐड सम सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ हल्दी पाउडर. तो अभी आपको अच्छी तरीके से करछी चलाना है ताकि कॉलीफ्लावर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो. फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर एंड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ जीरा पाउडर, क्योंकि भुना हुआ जीरा पाउडर से ना बहुत ही एक अच्छा एरोमा आएगा. तो अभी उसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा कोकोनट ऐड कर रही हूँ, बट यू नो इट इज़ अगर आपको पसंद नहीं है देन नो नीड टू ऐड. फिर मैंने थोड़ा वाटर ऐड कर दिया है, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, लिटिल बिट, एंड कवर करके रख दीजिएगा. तो बस रेडी हो चुका है ये. लाइक ना सब्जी को ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा, एंड एट द एंड ना मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ भाजा मसाला ऐड कर रही हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड हाँ थोड़ा घी. दैट्स इट, रेडी हो गया है लाबड़ा. बनाते बनाते यहाँ पे मैंने टमाटर और पाइनएप्पल की चटनी भी बना लिया. ये रेसिपी मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर किया है. तो अभी मुझे थोड़ा यू नो हम लोग पूरी बनाते हैं, लाइक लूची बोलते हैं, लूची बनाते हैं. तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा डो गूंदना है, एंड फिर मिठाई में तो मैंने सिर्फ वो लड्डू बनाया ना, फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सूजी का हलवा भी बना लूँ. तो थोड़ा मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी, एंड मुझे लगता है ना मैं इतना ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाऊँगी. सी दाल कितना ज़्यादा हो गया है, सेम विथ राइस ओनली, क्योंकि मुझे पता है ना कोई भी इतना ज़्यादा नहीं खाता है. तो मैं हाफ एंड हाफ में रख दूँगी. एंड लाबड़ा इज़ वेरी सिंपल, एंड हाँ वो यू नो भाजा मसाला एट द एंड इज़ माई एडेड. एंड बहुत जन एक बार मैंने लाबड़ा खाया था ना, उसमें ना वो लोग ने वो
मूंगफली होता है ना, हाँ मूंगफली ना थोड़ा फ्राई करके दिया था, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था। मैं सोच रही थी आज ऐड करूंगी पर भूल गई। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो सूजी का हलवा में ना मुझे लग रही चलो मैं थोड़ा केसर भी दे देती हूँ, तो अच्छा एक केसरी कलर हो गया है। एंड मुझे लगता है सूजी का हलवा इज समथिंग जो सभी को आता है, एंड बहुत दिनों के बाद एक्चुअली इस तरीके से मैं आटा को गूंद रही हूँ। एंड फिर क्योंकि हम लोग थोड़े फ्राइज बनाते हैं, एंड ये बैटर भी मैंने बहुत बार शेयर किया है, मैं ना थोड़ा पॉपी सीड्स ऐड करती हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट, तो खुशबू बहुत खूबसूरत आता है। एंड चावल एंड बेसन। एंड हाँ मैं किचन में कॉन्स्टेंटली खाना बना रही हूँ ना, एंड जब रेक्स को आना, जब जब वो सो रहा है, वो वहाँ पे सो रहा है, वो जब उठता है ना तुरंत मैं उसको अंदर ला ला रही हूँ। एंड ये दिस ऑल गेट्स आर रियली गुड। पर एक्चुअली ना अमेजन से मैंने गेट खरीदा था, वो इतना दैट गेट इज़ परफेक्ट, पर मेरा ही लक खराब है, यू नो डिफेक्टिव पीस आया। पर एक्चुअली हम लोगों को वो एक और एक गेट खरीदना पड़ेगा। तो रेक्स अभी सोच रहा है ये क्या हो रहा है। आई लव दिस स्टाइल, जस्ट सी वो लोग किस स्टाइल से बैठते, जस्ट सी उसका स्टाइल। ए पुराने जमाने में ऐसे लेडीज लोग ऐसा करके बैठते थे ना, जस्ट सी कौन ऐसा डॉगी ऐसा बैठता है। हाय लेको, चलो के हाय बोले दो, हाय। रैक्स का क्या है ना, ये कभी भी ना मॉनिटर पे नहीं देखेगा, टीवी चल रहा है, ओके सब कोई टीवी देख रहा है, ओके ये टीवी के पीछे, टीवी के पीछे कुछ नहीं, ये टीवी नहीं देखेगा, पीछे मुड़ के बैठा रहेगा। तो हम लोग सब बोलते रेक्स देखो देखो, नहीं सब कुछ दे शुड गेट यूज टू इट ना। एंड सी मेरा घर किचन का हालत, वो पेपर रहता है ना, वो जो पेपर के प्लेट है, मैंने इसको एक दिया था, देखो क्या किया है। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी बना लेती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 2 बज चुका है। तो खिचड़ी बनाने के लिए ना ये सारे मसाले हैं, एंड यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ जीरा है। तो ऑयल जब गर्म हो फर्स्ट मैंने उस पे ऐड कर दिया है जीरा, उसके बाद मैंने थोड़ा हींग ऐड कर दिया है, फिर तेज पत्ता, थोड़ा इलायची, थोड़ा सिनेमन स्टिक, एंड यहाँ पे मैंने 1 टमाटर दिया है मीडियम साइज टमाटर। फिर मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है, देन अराउंड 2 टीस्पून ऑफ जिंजर ग्रेटेड जिंजर, नहीं तो जिंजर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली। तो जब सारे मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर और एज पर योर टेस्ट एंड जीरा पाउडर। फिर हम लोग ये मसाले को भी भूनेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें राइस एंड दाल ऐड कर देंगे। फिर मैंने ना इसमें थोड़ा पीस ऐड कर दिया है, राइस एंड दाल को ऐड करने के बाद ना मैंने थोड़ा फ्राई किया है, एंड खिचड़ी है तो यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ वाटर, पर मैं ना गर्म पानी हर वक्त यूज़ करती हूँ तो मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। एंड अभी मैं इसमें थोड़ा भाजा मसाला ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ भाजा मसाला, तो कवर करके रख देंगे। अभी खिचड़ी तो बस अभी खिचड़ी होगा, नाउ द टाइम इज 2:17 एंड रैक सोच रहा है थैंक्स गॉड मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ता। तो अभी मैं क्या करूँगी, मुझे अल्पना देना है ना, बाहर देना है, अभी इसको घर के अंदर मैं ऐसा छोड़ के चली जाऊँगी, तो जब मैं आऊँगी पता नहीं क्या होगा जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको लीश लगा के ना बाहर बिठा दूंगी, इसको बहुत पसंद है, एंड तब मैं बाहर का वो अल्पना करूँगी। या सी ऐसा जगह पे सोता है ना, मैं कैसा करके खाना बनाती हूँ ना मुझे पता है, सी यहाँ पे आके सो गया। लेक्चर चलो चलो बाहर है बोझ बो चलो, हैं मम्मी आलपना देबे तुम्ही देख बे, चलो अच्छा बाबा। पता नहीं मैं क्या कैसा बनाऊंगी, बट हाँ रेक्स का एक्सप्रेशन देखिए जो सबसे ज्यादा फनी है, मैं एडिट करते करते ही देख रही थी एंड ये पागल हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा यू नो जैसा नियम है वो लक्ष्मी माता का पैर, एंड हम लोग वो जिस राइस होता है ना धान बोलते हैं वो देना पड़ता है, तो वो ही मैंने किया। और ऐसे इसमें ना कुछ भी नहीं होता है, वो राई का वाइट एक्रेलिक कलर है ना, एक्चुअली हर वक्त मैं उसी से करती हूँ। तो रैक्स सोच रहा था अरे क्या हो रहा है, रैक्स का एक्सप्रेशन सबसे अच्छा था। चलो रैक्स अभी हम लोग अंदर करेंगे, पर हाँ यू नो लाइफ में ना जब यू नो समथिंग न्यू हैपन्स, हम लोगों को लगता है अरे वो कैसा होगा वो कैसा होगा, एंड एवरी वन यू नो वी ऑल गेट वेरी नर्वस, पर
तो बोलते ना कुछ एक जुगाड़ टाइप उपाय निकल ही आता है, अभी ये पागल हो गया है वो खा लेगा, चलो रेक्स लेट्स गो इनसाइड, वी आर डन, चलो आ जाओ, तब तक थोड़ा सूख जाएगा। तो ये मैं चावल के आटे से कर रही हूँ ना, जब ये सूख जाएगा देन यू कैन सी, अभी तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो खिचड़ी इज रेडी एट द एंड, एड सम घी एंड बस फिर कवर करके रख दीजिए। ऐसा खिचड़ी ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये थोड़ा रिच होता है मैं बोलूंगी। तो अभी मैं लूची भी तल के रख दूंगी, लाइक जितना भोग का काम है सब मैं एक बार में कर रही हूँ। मैंने 5 तरीके के फ्राई बनाया है, फिर ये फ्राइम्स है, ये तो सागू का होता है ना, तो मैंने ये भी थोड़ा फ्राई कर लिया है, फिर मैंने लूची बनाया है और तो मैंने आप सबको दिखाया ही है, वहाँ पे है लड्डू, लड्डू एक्चुअली ठीक ही हुआ है, फिर चटनी, तो एवरीथिंग इज रेडी। मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे चली जाऊँ एंड मैं अपना ड्रेस चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी तो पूजा का यू नो कुछ आयोजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मुझे वो सब करना है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं थोड़ा बिंदी एंड ऑल लगाऊंगी। एंड हाँ, मैंने पहन लिया है मेरा नया साड़ी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्चुअली द साड़ी इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड सी ब्लाउज भी मैचिंग हो गया है। तो अभी चलिए बिंदी लगाते हैं एंड हाँ, पीछे में वो जो मेरा है क्या बोलते हैं इसको, गजरा, फॉल्स गजरा, वो इस साड़ी के साथ फुल मैचिंग हो रहा है बिकॉज वाइट एंड रेड है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक एंड मुझे ना आज ऐसा सीरियल की दिखाती है ना संस्कारी बहू, ऐसी मैं नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैं ना कभी इतना ज़्यादा हेयर टाई नहीं करती हूँ, तो मुझे ना इतना हेयर टाई आई फील मुझे सूट नहीं करता है, लाइक मुझे खुले हुए बाल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शॉमिक बोल रहे थे क्या हुआ आज चेहरा इतना उतरा हुआ है, मैंने बोला नहीं उपवास एक आदत चला जाता है ना, एंड मैंने से होल डे मैंने कितना सारा काम किया तो उसके लिए यू नो। आज मुझे पता है, पता नहीं मैं आज क्यों इतनी खराब लग रही हूँ देखने में, पर कोई बात नहीं, आज का हाईलाइट कोई और है। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. वो है राय, just look at राय। Many of you have seen Rai so small जब मैंने अपना चैनल ओपन किया था, आई थिंक सो राय वॉज इन थर्ड ग्रेड, हाँ थर्ड ग्रेड पे थी, हाँ थर्ड ग्रेड पे थी। तो ये मैं जैसे बोल रही थी ना, दिस इज़ नॉट घाघरा चोली, मैनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी इसका नाम, पर मेरा याददाश्त ऐसा है कि मैं भूल जाती हूँ। वेट, तो सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है एंड अभी इतना छोटा छोटा तुम पढ़ सकोगे? ओके ठीक है, तो अभी हम लोग पूजा करते हैं, चलिए मैं आप सबसे, पूजा खत्म हो जाए फिर मैं आप सबको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। एंड सी राय यहाँ पे बैठ बैठ के होमवर्क कर रही है, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, देन ऑल्सो यू नो तुम यहाँ पे हो, हाँ अभी मैं अच्छी लग रही हूँ, राइट, हाँ अभी मैं ठीक लग रही हूँ ये लाइट के पीछे में, नहीं देखो এখন আমাকে ভালো লাগছে দেখতে।
तो पूजा होने के बाद ना बोलते हैं ना कि सामने वाला जो दरवाजा है, लाइक जो जो घर का एंट्रेंस है ना, एंड्रेक्स पागल हो रहा है, वो ना ऐसा ओपन कर लेना चाहिए ताकि लक्ष्मी माता आ सकती है. यू नो दिस ऑल आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं, बट डेफिनेटली मैं बोलूंगी दिस ऑल फेस्टिवल ना ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर हाउस, मुझे तो वो ही लगता है. तो जो जो यू नो मुझे मिलता है मैं वो सभी भगवान को देती हूँ. ऐसा लक्ष्मी पूजा में रूल्स इतने ज्यादा टफ नहीं है. एंड मैं जैसे बोलती हूँ आई ऑलवेज फॉलो माई ओन हार्ट एंड माई ओन रूल. साले तो खच्चा वाह चौना में तो केवल लो चरणा मित खा रहा है रैक्स. बस बस हो गया. ओके बस 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 लेक्स इट ओवर. एंड हाँ एक लड्डू मेरी तरफ से आप सबको, सब लोग खा लीजिए. एंड राय बोल रही है कि ठीक हो जाए. या तो या आई गिव एवरीथिंग एंड रैक्स वहां से लाइक उतावला हो रहा है. चम एक लड्डू तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड कितना या मैं खुद देख लेती हूँ 7:45. एंड मैं अभी खिचड़ी थोड़ा गर्म बिठा रही हूँ तो अभी मैं नीचे जाके ड्रेस चेंज कर लूंगी. ना अभी ना अचानक खाने के बाद ना यू विल फील वेरी टायर्ड. तो राय को भी मैंने बोला नीचे जाके ही पढ़ाई करो. ठीक है चलो. तो रैक्स भी अपना खाना खा रहा है, वही सब लोग देख रहे हैं. वेट हाँ आज लाइक सब घर का लाइट हम लोग जलाते हैं. वेट आपको सबको मून भी दिखाते हैं. कहाँ पे है मून जानो मुंडा कोई. ओहो आज मून नहीं दिख रहा है. कौन दिख रहा है? बहुत अमिताभ बच्चन को बुलाना है. अमिताभ बच्चन हो गए तो शायद दिखा देते हैं. मैं और शामिक तो ये जंगल ही देख लीजिए. आज मून उस तरफ है. कल ना इस तरफ था. दिस इज ईस्ट ना इतना खूबसूरत लग रहा था. बस चलो कोई बात नहीं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया होगा तो एक लाइक. एंड हाँ मेरा कैमरा का बैटरी भी खत्म हो रहा है. एंड हाँ दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. एंड या विश यू ऑल ए हैप्पी लक्ष्मी कोजागरी लक्ष्मी पूजा जो लोग ये फेस्टिवल करते हैं. बाय बाय.